नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल क्रिक आकाश ब्लॉग्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि अभी इंडिया और चाइना के क्या हालात चल रहे हैं। गाइज, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। और गाइज, आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो होने वाला है, मैं कुछ अपना ओपिनियन देने वाला हूँ इसमें। गाइज, आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग YouTube पर जो है अपडेट रहते हैं, अभी कुछ दिन पहले गौरव चौधरी सर, टेक्निकल गुरुजी ने एक वीडियो डाला था जिस पर कि उन्होंने 52 ऐप्स, चाइनीज़ ऐप्स, जिनको जो है बॉयकॉट करने के लिए कहा था, और कहा था कि इन 52 एप्लीकेशंस को आप अपने फ़ोन से रिमूव कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए और इनको बंद करना जो है बंद कर दीजिए। तो गाइज़, इस पर कई सारे लोग जो हैं बहुत सारी टिप्पणियाँ कर रहे हैं, बहुत सारे जो हैं अपने अपनी राय दे रहे हैं। इस वीडियो को, टेक्निकल गुरुजी के वीडियो को, मैंने अपने स्टेटस पर और स्टोरी पर लगाकर सभी लोगों से अपील की थी कि इस जो है मुहिम में साथ दीजिए और बहिष्कार करिए इन एप्लीकेशंस का। ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस चीज़ को तो करिए यार। वहाँ पर हमारे जो सैनिक हैं इतना सब कुछ कर रहे हैं, अपनी जान तक गंवा रहे हैं हम लोगों के लिए, और हम लोग जो हैं उन्हीं के एप्लीकेशंस को यूज़ करके उनको रेवेन्यू जनरेट करा रहे हैं और सारी चीज़ें करा रहे हैं। तो गाइज़, इन सभी को लेकर मैंने जो स्टोरी और स्टेटस लगाया था उस पर कई सारे लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स और भी कई सारे लोगों ने सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर जो है रिप्लाई किए और कहा कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, आप कौन से एप्लीकेशंस यूज़ करते हो, वो सारे कुछ बताओ। तो उसी सब का जवाब मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा, और आई होप कि वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ आप लोग 5 मिनट निकाल कर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। गाइज, जब मैंने वो वीडियो स्टोरी पर लगाया और ये सब कुछ शेयर किया तो सबका एक ही रिप्लाई आ रहा था कि भाई तू कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा है, तू कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहा है, कौन से एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, ऐसा सब कुछ करके। तो गाइज़, एक सिंपल सा जो है आंसर सबसे पहले मैं इस चीज़ के पीछे देना चाहूँगा, उसके बाद मैं बात करूँगा ये जो पूरा मैटर है उसके ऊपर। यार, मान लीजिए अगर आपके घर के सामने ही कोई शॉपकीपर है, उससे आपका झगड़ा है, उससे आपका जो है लड़ाई चल रहा है, वो आपका दुश्मन है मान के चलिए, अब आप उसको जो है डायरेक्टली जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि उसकी दुकान से आपने कुछ सामान परचेज़ किया, उसकी दुकान का सामान ही नष्ट करना चाहते हैं, तो पहले आपने उसे परचेज कर लिया फिर ला के अपने घर पर डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आपको लग रहा है कि हमने तो भाई उसकी दुकान का सामान जो है वो नष्ट कर दिया, तो इसमें उसको क्या जो है लॉस हो रहा है, उसको कौन सा नुकसान हो रहा है, उसका जो है आप पहले ही भुगतान कर चुके हैं, पैसे उसको दे चुके हैं, कीमत उसकी चुका चुके हैं, उसके बाद नुकसान करें तो भाई नुकसान तो आपका है ना। अगर मैं वीवो का फोन यूज कर रहा हूं, मैंने फोन जो है पहले परचेज कर चुका हूं, अब अगर मैं इस मुद्दे पर बात करूं और मैं इस फोन को जो है डिस्ट्रॉय करने की बात करूं, मैं अभी डिस्ट्रॉय कर दूं, तो इससे चाइना को क्या नुकसान होगा ये बताइए आप। फोन तो मेरा डिस्ट्रॉय होगा, मैं इसकी कीमत दे चुका हूं पहले ही चाइना को। हालांकि कोई भी बदलाव इतनी जल्दी नहीं आता है, हम लोग आगे से जो है सब कुछ कर सकते हैं अगर चाहें तो। तो जो हो चुका है, हम लोग पास्ट में जो ले चुके हैं, खरीद चुके हैं सामान, वो मैटर नहीं कर रहा अभी इस वक्त। मैटर करता है इन फ्यूचर में आप क्या परचेज करने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, क्या रेवेन्यू जो है चाइना को जाने वाला है, उससे सब कुछ मैटर करने वाला है। जब आप लोग एप्लीकेशंस को बॉयकॉट नहीं कर पा रहे हैं तो इन सब चीज़ों को मैं कैसे उम्मीद करूँ कि आप लोग कर पाएंगे। यार, आप लोग उस नज़रिए से सोच के देखिए कि वहाँ बॉर्डर पर जो जवान खड़े रहते हैं, अपनी जान तक दे देते हैं, हम सब के लिए शहादत जो है प्राप्त करते हैं, और इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आप लोग एप्लीकेशन नहीं जो है वो अनइंस्टॉल कर पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि, देखिए हर चीज़ का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है, मेरे नज़रिए से किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकती है भाई। अगर कोई नहीं कहना चाहिए, हमारे लोगों के बीच में से भी अगर कोई चला जाता है तो ना तो वक्त रुकता है, ना आप लोगों की लाइफ स्टाइल रुकती है, और ना ही और कुछ रुकता है, सब कुछ चलता रहता है। हालांकि परेशानियां आती हैं, तो मुझे भी लगता है कि आप लोगों के हैबिट में होंगे कुछ एप्लीकेशन जिन्हें आप रोज़ यूज़ करते होंगे, टिकटॉक जैसे, अगर आप उसे अनइंस्टॉल कर देंगे तो आपको हो सकता है 2-4 दिन जो है अच्छा ना लगे, हैबिट में होता है आपकी, लेकिन उसके बाद अच्छा लगने लगे अगर आप नज़रिए से सोचेंगे तो। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे कि हम देश हित में कुछ करना चाहते हैं, इससे जो है आप लोग देखिए, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि MTNL और BSNL अपनी जो सर्विसेज दे रहे हैं उसमें जो है कम से कम चाइनीज प्रोडक्ट का यूज़ करना जो है कम कर दें, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो भाई, मुद्दा तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पता है कि 20 सैनिक शहीद हुए हैं और भी
पहले से भी लोग बहिष्कार करते थे चाइनीज प्रोडक्ट का, बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर कमेंट्स करके अपनी अपनी राय दे के, मतलब वहीं पर सब कुछ कर लेंगे, और जैसे ही प्रैक्टिकली कुछ करने की बात आएगी तो वहाँ पर सब लोग अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में सिर्फ मैं अपना ओपिनियन दे रहा था कि भाई इस तरीके से मत सोचिए। पास्ट में जो परचेस कर चुके हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। आप लोग अगर उसे डिस्ट्रॉय भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप उन्हें कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप अपने ही पैसे का लॉस करेंगे। तो जो खरीद चुके हैं उसे छोड़ दीजिए। इन फ्यूचर आप जो खरीदने वाले हैं, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम से 100% सब कुछ बंद कर दें, इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे करके कम ज़रूर कर सकते हैं। जो है अवॉइड करना मुझे लगता है कि करना पड़ेगा आप लोगों को, और मुझे भी, सभी को। और सबसे पहले ये एप्लीकेशंस अगर आप नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्ट भी आप बंद कर पाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन जैसी चीज़ जो है अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों को पता है कि लोगों का ज़्यादातर वक्त जो है फ़ोन से गुजरता है, फ़ोन में ही सारे काम होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हेल्प भी करते हैं, लेकिन यार उनका अल्टरनेटिव ऑप्शन निकालिए, आपसे अभी भी कहना चाहूँगा मैं। और हमारे जो है देश हित में थोड़ा सा योगदान मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग, हम सभी यूथ दें। और गाइज़, काफ़ी टाइम से अभी वीडियोस नहीं आ पा रही क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, मैं घर पे भी थोड़ा बिजी, काम वाम चल रहा था इस वजह से, और बाहर भी जो है पूरा दिन बिजी रहता हूँ तो वीडियोस नहीं आ पाती हैं। लेकिन अब कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको वीकली एक दो वीडियोस ज़रूर दूँ। अभी सेटअप भी सब वैसे ही बिखरा पड़ा है, कुछ नहीं, घर पे पेंट वेंट का काम चल रहा था इस वजह से। तो इस वीडियो का कुछ ऐसा मोटिव नहीं था कि सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना और आप लोगों को बताना कि आप लोग प्लीज़ यार, इतना सब कुछ हो रहा है देश में, थोड़ा सा अवेयर रहिए और देखिए कि हमारे सैनिक किस तरीके से देश सेवा में लगे हुए हैं। उनके घर वालों को देखिए, उनके माँ बाप भाई बहनों को देखिए, वो लोग यार इतना सब कुछ सहने के बाद भी इतनी हिम्मत से डटे हुए, और आप लोग, आप सभी लोग जो है ऐप्स जैसी चीज़ डिलीट नहीं कर पा रहे हैं यार, इतना रेवेन्यू जा रहा है यहाँ से, इंडिया से। टिकटॉक जो है अभी तक का जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला भारत में एप्लीकेशन था, सबसे ज़्यादा यूज़ कहीं अगर हो रहा था पूरे वर्ल्ड में तो वो इंडिया में हो रहा था, सबसे ज़्यादा यूज़र्स इंडिया में थे। तो यार इन सब चीज़ों का अवॉइड करिए, और मुझे लगता है कि आप लोग कर सकते हो, सभी लोग कर सकते हो अगर चाहो तो। सो गाइज, प्लीज़ आई होप कि आप लोगों को वीडियो जो है ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।